Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors influencing pricing. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए किसी भी बिजनेस फर्म के द्वारा जब वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करें। तो प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने से पहले कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर्ड किए जाते हैं उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनको हम कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट्स में, एक तो होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स की। क्या होते हैं इंटरनल फैक्टर्स? दीज आर द फैक्टर्स विच लाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द फर्म एंड विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फर्म। जो फर्म के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या इंटरनली जो फर्म में लाई करते हो और जिनको फर्म के द्वारा प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके, ऐसे फैक्टर्स को हम इंटरनल फैक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर्स में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाना बहुत ज़रूरी है। इनमें से सबसे पहला फैक्टर है एंड दिस इज कॉरपोरेट एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो फर्म को अपने कॉरपोरेट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर किया जाना चाहिए कि उसके कॉरपोरेट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है, अपने टर्नओवर को मैक्सिमाइज करना चाहती है या फिर मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहती है, मार्केट शेयर को लार्जेस्ट वे में कैप्चर करना चाहती है। तो इस तरह से अलग अलग कॉर्पोरेट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी फर्म के। तो जैसा कॉर्पोरेट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज द इमेज साउट बाय द फर्म थ्रू प्राइजिंग। अपनी प्राइजिंग पॉलिसी के बेसिस पर जो फर्म है वो किस पर्टिकुलर इमेज को कंसीडर करवाना चाह रही है, क्या इमेज बनाना चाह रही है पब्लिक के बीच में, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रखेगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी फर्म्स हैं जो हायर प्राइस को सेट करती हैं, कुछ फर्म्स अपने प्रोडक्ट के लोअर प्राइस को सेट करती हैं, कुछ फर्म्स अपने प्रोडक्ट के एवरेज प्राइस को सेट करती हैं। जब फर्म को ये लगता है कि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल करा रही है तो वो उसको हाई प्राइस के साथ में ही अटैच करना चाहती है, क्योंकि जनरली कंज्यूमर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली प्राइज्ड होते हैं। तो इस तरह से एक जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का, उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के लिए फर्म क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को हाई लेवल पर सेट कर सकती है। तो इस तरीके से जो भी इमेज वो मेंटेन करना चाहती है कंज्यूमर्स के माइंड में, उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फीचर पर डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है। जो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होंगे, जो जो उसके फंक्शंस होंगे, जो जो उसकी यूटिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। अगर हाईएस्ट लेवल पर आप प्रोडक्ट की यूटिलिटी को फोकस कर रहे हो और हाईएस्ट फीचर्स उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस है आप उसके हाई प्राइस चार्ज करोगे। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो यूटिलिटी के साथ में, उसके फीचर्स के साथ में या लिमिटेड फीचर्स के साथ में प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना होगा। नेक्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के प्राइस। अब डिमांड या तो इलास्टिक होगी या फिर इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस में आप ज़्यादा चेंज करेंगे तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इस केस में आप प्रोडक्ट के प्राइस को हायर लेवल पर सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, यानी कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो फिर आप प्रोडक्ट के प्राइस को एक पर्टिकुलर लेवल तक ही सेट कर सकते हैं। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट।
Now come to the next one. The fifth one is the stage of the product in its life cycle. जो product है उसकी life cycle में किस stage पर product है उसके according product के price को decide किया जाता है. जैसे जो basic stages की बात करें अगर हम product life cycle की, तो वो होती है आपकी introduction, growth, maturity और decline. ये चार main stages होती है. ओके, अब है क्या, अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो ऑब्वियस है आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई होगी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की. उस कॉस्ट को आप रिकवर करना चाहोगे तो आपको प्रोडक्ट के प्राइस को एक पर्टिकुलर लेवल पर सेट करना मजबूरी बन जाती है. फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आता है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज होती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है और डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कम करना चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो. जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर होता है तो आप प्राइस को बहुत ज़्यादा चेंज करने की पोजीशन में नहीं होते हो, और जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में होता है तो वहाँ आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लगातार कम करते हो. केवल किस वजह से, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट के डिमांड को मार्केट में इंक्रीज कर सको. तो जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो प्रोडक्ट की स्टेज के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज द यूज पैटर्न एंड टर्न अराउंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का यूज पैटर्न क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर्स के द्वारा उसको यूज किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसका टर्न अराउंड रेट कितना है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितना जल्दी जल्दी या कितना टाइम के हिसाब से कस्टमर्स उसको परचेज कर रहे हैं. जैसे जो रूटीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तो डेली बेसिस पर परचेज किया जाता है, लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी परचेजिंग क्या होती है, एक टाइम इंटरवल के बाद होती है. तो इसी वजह से जितने भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि जो रूटीन बेसिस पर यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं उनके प्राइजेस क्या होते हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं. तो टर्न अराउंड रेट क्या है प्रोडक्ट का, यूज पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस कितने सेट करने हैं, हायर लेवल पर सेट करना है या फिर उनको आपको लोअर लेवल पर सेट करना है. नेक्स्ट वन दैट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग. आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपकी कितनी कॉस्ट आई, उसकी आपने मार्केटिंग करी, उसकी आपने प्रमोशन की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें कितनी कॉस्ट आई, ये भी तो कंसीडर करोगे, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जितनी कॉस्ट आई है उससे कम पर तो सेल नहीं कर सकता. कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है मार्केट में, तो कॉस्ट के बराबर तो वो सेल कर सकता है एक टाइम में, लेकिन वो उससे कम में तो सेल नहीं कर सकता. तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कॉस्ट को रिकवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्कआउट करते हो और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं. तो जो कॉस्ट आई आपकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की, उसको आप पहले कंसीडर करते हो, उसमें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो. द नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन प्रैक्टिस्ड. जो प्रोडक्ट आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो वो आपके कॉम्पिटिटर से कितना ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है और कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, इस पर डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा होंगे या कम होंगे. अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक फीचर के साथ में अवेलेबल है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उसके अंदर, और कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर प्रोडक्ट है आपका, तो ऑब्वियस है आप कम रेट पर तो सेल नहीं करोगे, आप उसे हायर रेट पर ही सेल करोगे. लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन और डिग्री ऑफ एक्सटेंटिवनेस डिस्टिंक्टिवनेस अगर कम है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं लगभग वैसे ही प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने की पोजीशन में होगे, फिर आप हायर लेवल पर प्रोडक्ट के प्राइस को सेट नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट वन इज द अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म एंड देयर इंटरेक्शन विद प्राइसिंग. अदर एलिमेंट्स जैसे कि हम कब बात कर रहे हैं, किसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, तो बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस. जो मार्केटिंग मिक्स के अदर एलिमेंट्स हैं उनका प्राइस के साथ में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर रहे हो, कौन कौन से
प्लेसेस पर उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या कंज्यूमर्स को आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज करते हुए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एनसियोर कर रहे हो। इन तीन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे। हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हो, प्रॉपर प्रमोशन पॉलिसी फोकस कर रहे हो, हर प्लेस पर कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑन डिमांड, तो ऑब्वियस है आप प्रोडक्ट के प्राइस को एक हायर लेवल पर सेट करोगे। तो डिपेंड करता है अदर एलिमेंट्स पर कि उनके साथ में प्राइस का क्या कनेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को भी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म। प्रोडक्ट लाइन कैसी है, उसका कंपोजिशन क्या है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस फर्म की जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो जब एक फर्म एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन उसके पास अवेलेबल है, तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से डिसाइड करती है जैसे कि ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन पर उसको कंप्लीट प्रॉफिट ऑब्टेन हो सके। तो यानी कि अपनी प्रोडक्ट लाइन को भी या उसके कंपोजिशन को भी ध्यान में रखते हुए फर्म अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइस को डिसाइड करती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेकेंड वन, एंड दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स विच लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द फर्म। यानी फर्म को इनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और ये फर्म के कंट्रोल से बाहर होते हैं। कौन कौन से हैं मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर रिलेटेड टू डिमांड, कस्टमर एंड कंपटीशन। जिस पर्टिकुलर मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, उसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को किस लेवल पर डिसाइड करोगे। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, कौन कौन से आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है, डिग्री ऑफ कंपटीशन कितनी है, इन पर डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस कितने होंगे। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को उसके प्राइस को हाई लेवल पर सेट कर सकते हो। टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स अगर प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है आपके प्रोडक्ट के रिलेशन में, तो भी आप एक प्रॉपर प्राइस सेट कर सकते हो। कंपटीशन की डिग्री कम है तो आप प्रॉपर प्राइस डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अगर कंपटीशन की डिग्री हाई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को मैनेज करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बायर बिहेवियर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के रिलेशन में आपके बायर का क्या बिहेवियर है। अब बायर बिहेवियर से मतलब क्या है यहाँ पर, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और नॉट, उनका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिवली इंडिकेशन है या फिर एक नेगेटिवली इंडिकेशन है, फेवरेबल इंडिकेशन है या फिर अनफेवरेबल इंडिकेशन है। अगर एक फेवर्ड बिहेवियर है आपके बायर का आपके प्रोडक्ट के रिलेशन में, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी और उस केस में आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लेकिन अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो फिर आपको अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द मेजर कस्टमर्स। जो आपके मेजर कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आपसे परचेज कर रहे हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो आपको कम प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी बार्गेनिंग पावर कमज़ोर है, वीक बार्गेनिंग पावर है, तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर सेट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ मेजर सप्लायर्स। एक्चुअली आपके प्रोडक्ट के प्राइस इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उन सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या है। अगर क्वांटिटी में बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, उस केस में आप कम प्राइस में इनपुट्स को या रॉ मटेरियल को अरेंज कर सकते हो। अगर कम प्राइस में अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम आएगी और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट के प्राइस को कम लेवल पर भी सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, यानी कि लिमिटेड नंबर्स में वो अवेलेबल है या फिर उन्होंने अपनी कार्टेल डेवलप कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा,
वो हायर प्राइस पर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने से आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी ज़्यादा होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये कि आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। अगर मार्केट में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइस लगातार कम करते चले जा रहे हैं, तो अपने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्विच हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा उस केस में और उनका सस्ता हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, कॉम्पिटिटर किस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट कंट्रोल्स रेगुलेशंस ऑन प्राइसिंग। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका क्या कंट्रोल है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उसने प्राइसिंग के रिलेशन में, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट वन अदर रेलिवेंट लीगल एस्पेक्ट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा प्राइसिंग के रिलेशन में जो भी लीगल एस्पेक्ट्स फॉलो किए जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट वन इज द सोसाइटल कंसिडरेशन। सोसाइटी आपसे क्या उम्मीदें रखती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उन एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो। नेक्स्ट वन इज द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड इफ एनी प्राइस कार्टेल। अगर कोई प्राइस कार्टेल बनी हुई है ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे। ठीक है, क्या होता है ना कि मार्केट में बहुत सारे जब कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए वो अपनी एक कार्टेल बना लेते हैं, कार्टेल का मतलब एसोसिएशन बना लेते हैं, और फिर उसके बेसिस पर एक प्रॉपर प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है और जितने भी सेलर्स हैं वो उसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो अगर कार्टेल बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।